इलाहाबाद की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। अन्ना और जन लोकपाल के समर्थन में हाई कोर्ट पर वकीलों ने और घंटाघर पर आम नागरिकों ने किया प्रदर्शन और लगाए नारे। सिविल लाइन्स में पकड़ा गया फर्जी दरोगा, पिस्टल बरामद करता था लोगों से वसूली। अब पुलिस का नया चेहरा दिखेगा नए रंग रूटों में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, बलात्कार का। क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, स्वादिष्ट केक के लिए पहले से ही बुकिंग। छासंग या गुंडागर्दी पर नहीं बनेगी फिल्म दुविधा। अन्ना और जन लोकपाल के समर्थन में हाई कोर्ट पर वकीलों ने और घंटाघर पर आम नागरिकों ने किया प्रदर्शन और लगाए नारे। यहाँ पे लोगों को जागृत करने के लिए है कि हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आएं और इसमें भाग लें। यदि अगर लोग ये सोचते हैं कि अन्ना हजारे जी एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते हैं तो ये लोगों की भूल है। जिस तरह से आज़ादी के समय में भी कुछ चंदी लोगों ने शुरुआत की थी आज़ादी के लिए और बाद में धीरे धीरे करके पूरा देश हमारा आज़ाद हो गया, इसी तरह से हम चाहते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आगे आएँ, ताकि केंद्र तक ये बात जाए, सरकार तक ये बात पहुँचे कि हमारी सारी जनता चाहती है इसमें कि हाँ ये जन लोकपाल हमारा आना ही चाहिए। इसमें हम ये चाहते हैं इसमें। मेरा नाम है ललिता अग्रवाल। सिविल लाइन्स में पकड़ा गया फर्जी दरोगा, पिस्टल बरामद करता था लोगों से वसूली। दूसरा ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, ड्रमंड रोड समय कुछ दिनों से हमें लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी, पुलिस के नाम से कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, अवैध वसूली में लिप्त थे, तो कुछ लोग अपने आप को SOG भी बना के SOG के नाम लेके अवैध वसूली कर रहे थे, तो विशेष टीम मेरे द्वारा गठित किया गया था। तो आज हम लोग शिवाकांत पांडे नामक व्यक्ति जो मूल निवासी थाना नवाबगंज जनपद इलाहाबाद के हैं, इन्हें गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। ये अपने आप को पुलिस की सब इंस्पेक्टर कह के पुलिस की, इनके पास एक ID कार्ड जो फर्जी तरीके से इन्होंने मनमानी तरीके से अपने तरफ से बनाया गया है, ये ID कार्ड भी बरामद हुई है, जिसमें 2002 में भर्ती किया हुआ सब इंस्पेक्टर अपने आप को ये दर्शाते हैं, और इनके कब्जे से बोर का नाजायज पिस्टल भी मिला है, 2 SIM कार्ड और कुछ अन्य कागज मिला है। तो इनको हम गिरफ्तार किए, गिरफ्तार करके इनके विरुद्ध 467, 468, 170 IPC और 25 Arms Act के मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज करके इन्हें जेल आज भेजा जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, बलात्कार का था आरोप। एक FIR उनके खिलाफ की थी, किसी ने उनकी शिष्या ने जो प्रिंसिपल भी थी एक इंस्टीट्यूशन की, तो उसकी वजह से उस FIR को उन्होंने यहाँ चैलेंज किया था कि एलिगेशन सब फाल्स हैं और ये इसलिए हमको परेशान करने के लिए मनी एक्सट्रैक्ट करने, कोई एक BP गौतम है जो पॉलिटिशियन भी है पत्रकार भी है, उससे इन्होंने शायद सेकेंड मैरिज कर ली है, उसके पहले भी उसकी शादी थी, दूसरी वाइफ ये बन गई उनकी शिष्या, और वो पैसा स्ट्रेट करने के लिए पॉलिटिकल गेंस के लिए एक फाल्स FIR की गई, जिसमें उन्होंने यहाँ चैलेंज किया। आज कोर्ट ने उसमें 3 हफ्ते का टाइम उनको काउंटर फाइल करने के लिए दिया, 2 हफ्ते का रिजॉइन, तब तक के लिए स्टे है, आगे मेरिट पर जो भी होगा वो देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेशन चल। किस थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ? ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुआ, PS कोतवाली में। हालांकि जौनपुर के थे कौन उनकी शिष्या और स्वामी? नहीं नहीं नहीं। अब पुलिस का नया चेहरा दिखेगा नए रंग रूटों में। जनपद इलाहाबाद में 1200 रिक्रूट कांस्टेबल बहुत जल्दी विभिन्न थाना में आके अपना योगदान देने वाले हैं। आज सुबह RTC पुलिस लाइन इलाहाबाद की पासिंग आउट परेड, जो दीक्षांत समारोह कहा जाता है, उसके समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 400 नई रिक्रूट पुरुष आरक्षी जो पुलिस विभाग को मिले हैं। ADG PHQ महोदय श्री सुल्कान सिंह साहब ने इसमें मान सम्मान ग्रहण किया परेड का, IG रेंज महोदय और अन्य आसपास डिस्ट्रिक्ट के और सभी उच्च अधिकारीगण पुलिस और प्रशासन के मौजूद थे। बहुत अच्छी एक भव्य परेड के आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने भाषण में ये बताया है कि सभी कांस्टेबल को
पुलिस नौकरी को सेवा के रूप में लें, जनता और समाज और देश की सेवा करें, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान दें। सभी रिक्रूट कांस्टेबलों ने अपने दाहिने हाथ ऊपर रखे संविधान के नाम से शपथ भी लिए हैं कि देश की सेवा करेंगे, समाज की रक्षा करेंगे और कानून और अपराध नियंत्रण में अपने पूरा योगदान देंगे। मुझे उम्मीद है, जो पुलिस विभाग में अक्सर कहा जाता है पुलिस में बल की कमी है, तो ये बहुत जल्दी हमारी पूरी हो जाएगी। ये 1200 जो नए रिक्रूट कांस्टेबल के रूप में शामिल होने से जनपद में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर बनेगी। क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, स्वादिष्ट केक के लिए पहले से ही बुकिंग। हम लोग ट्री डेकोरेट करते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, गिफ्ट्स बांटते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। किस तरह की केक ज्यादा पसंद है आपको? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक लिया आपने? अभी नहीं लेंगे। नाम बताइए। उर्वी। छासंग या गुंडागर्दी पर नहीं बनेगी फिल्म दुविधा। मूल कारण है कि अंग्रेजों के शासन काल में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई और उसमें भी यहाँ का छात्र संघ अपनी गौरवमयी बहाल था और अपनी उसका एक गौरवमयी स्वर्णिम इतिहास रहा है, लेकिन अंग्रेजों की यहाँ से चले जाने के बाद काले अंग्रेजों ने जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ पर ताला लगाकर तानाशाही रवैयों को जगजाहिर किया, वो अपने आप में दुष्कार्य है। और उसके बाद से उस छात्र संघ को बहाल कराने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र विगत 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिस आंदोलन में बहुत से छात्र नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, छात्र नेता जेल चले गए हैं, जिनकी जमानत अभी तक नहीं हो पाई है और वे छात्र नेताओं की आज जमानत है। उस दौर में जिस समय के आंदोलन अपने चरम पर था, छात्र संघ बहाल होने के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म एंड थिएटर डिपार्टमेंट के छात्र राहुल सिंह ने एक ऐसी मूवी तैयार की दुविधा नाम से, जो छात्र संघ के विरोध में एकदम अटेम्प्ट थी, जिसमें छात्र नेताओं के ऊपर गलत गलत ब्लेम लगाए गए थे और छात्र संघ के ऊपर अनैतिकतापूर्ण कार्य दिखाए गए थे जो गलत है। अब उन्होंने नई फिल्म बनाने के लिए छात्र संघ जी बनाए तो जी राहुल सिंह ने अपनी माफ़ी को मांगा है। फिल्म एंड थिएटर डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर सचिन तिवारी ने भी अपनी गलती को मानते हुए माफ़ी मांग ली है, लेकिन उस माफ़ी को भारतीय छात्र संघ भारत एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि छात्र संघ के फेवर में नई मूवी तैयार नहीं हो जाती है। और जब तक छात्र संघ के फेवर में नई मूवी राहुल सिंह तैयार नहीं कर देते हैं, तब तक कुलपति द्वारा प्रस्तावित दीक्षांत समारोह भारतीय छात्र संघ भारत के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे और छात्र संघ बहाल नहीं होगा तो इसकी लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। सौर्य प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय छात्र संघ।